हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 8, उसका सेकंड लेसन द मुंबई म्यूजिशियंस। आज हम उसकी करेंगे क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, और सबसे पहले लिखेंगे हम उसके हार्ड वर्ड्स, है ना। सबसे पहले लेसन का नंबर देंगे, यूनिट 8, उसका सेकंड लेसन द मुंबई म्यूजिशियंस, फिर लिखेंगे हार्ड वर्ड। एक बार इधर लिखेंगे और यही हार्ड वर्ड इधर, है ना। तो इस तरीके से हम दो बार हार्ड वर्ड लिखेंगे। सबसे पहला हार्ड वर्ड है टायर्ड, यानी कि थक जाना। क्या होता है टायर्ड? मींस थका हुआ। म्यूजिशियन, जो म्यूजिक बजाता है उसको कहा जाता है म्यूजिशियन। पीप्ड यानी कि झांकना। डिलीशियस, टेस्टी। घोस्ट, शैतान या राक्षस। सारे एक बार लिखे हैं, दूसरी बार आप इधर लिखोगे। ओके, फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 1। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, हु इज गोपू। अब इसमें जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर हम टिक करेंगे। हु इज गोपू, इसमें ए तो कैट, बी डॉग, सी डोंकी। इन तीन में से गुप्पू कौन था? तो वो था डोंकी। तो डोंकी के ऊपर, डोंकी सी में है तो सी के ऊपर हमने टिक कर दिया। फिर उसके बाद करेंगे हम सेकंड, हु इज फरी। अब फरी कौन थे, कौन है फरी? फरी है कैट, है ना। डॉग कैट, डॉग कैट या कॉक। डॉग कैट और कॉक, तीनों में से कौन थी फरी? कौन है हमारे लेसन में, कौन आती थी? कैट। तो हम इधर क्या लिखेंगे, किसके ऊपर टिक करेंगे? कैट के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। कौन बहुत ही थका हुआ और ओल्ड था? कौन था हमारे लेसन में बहुत ही थका हुआ और ओल्ड? ए फरी, बी गुप्पू या डुप्पू। कौन था? तो गुप्पू। गुप्पू किसका नाम था? डोंकी का। और डोंकी ही था ना जो टायर्ड हो गया था और ओल्ड हो गया था, तो हमने इसके ऊपर टिक किया। फिर क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। गुप्पू वर्कड इन द हाउस ऑफ अ डैश। तो गुप्पू जो है वो किसके हाउस में काम कर रहा था? तो फार्मर लिखेंगे, है ना। गुप्पू जो था वो फार्मर के घर पर काम कर रहा था। सेकंड, गुप्पू सेट ऑफ टुवार्ड्स द सिटी ऑफ डैश। गुप्पू कौन सी सिटी के लिए निकल गया था? मुंबई। तो हम इधर क्या लिखेंगे? मुंबई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से सही सेंटेंस के सामने हम ट्रू लिखेंगे और गलत सेंटेंस के सामने हम फॉल्स करेंगे। फर्स्ट, दे पीप्ड इन थ्रू द डोर। दे पीप्ड यानी कि वे लोग झांक रहे थे थ्रू द डोर। दे पीप्ड इन, वो अंदर झांक रहे थे डोर के जरिए। डोर के जरिए झांक रहे थे कि विंडो के जरिए? पर इधर लिखा है डोर। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज फॉल्स, सो वी विल राइट हियर एफ फॉर फॉल्स। फिर सेकंड, दे सो अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। उन्होंने टेबल जो था, टेबल में उसमें डिलीशियस फूड देखा। टेबल के ऊपर देखा था कि नहीं देखा था? टेबल और उसके ऊपर टेस्टी फूड, है ना। एक टेबल देखी थी उन्होंने डिलीशियस फूड के साथ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो हम इधर ट्रू का साइन करेंगे। साइन मतलब लिखेंगे।
थर्ड, गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट इन टू द गार्डन, ये तीनों गार्डन गए थे, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये तीनों कहाँ जा रहे थे? मुंबई जा रहे थे, है ना? पर इसमें कहा है कि गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट इन टू द, फिर फाइनली लास्ट में वो कहाँ गए थे? गार्डन तो था ही नहीं, गार्डन में तो वो गए ही नहीं थे, ठीक है? सबसे पहले वो कहाँ गए? घर के अंदर गए थे ना, क्योंकि उन्होंने गाना गाया तो क्या हुआ, घर के अंदर जो लोग थे वो, उनको लगा शैतान आया, शैतान उनको डरा रहा है, तो वो लोग भाग गए थे बाहर। तो फिर वो खाना खाने के लिए अंदर चले गए, तो वो अंदर कहाँ गए थे? हाउस में गए थे। तो इधर क्या आना चाहिए था? हाउस, और गार्डन लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस कैसा है? फॉल्स। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन 4, राइट आंसर इन वन सेंटेंस। आपको नीचे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर वन सेंटेंस में लिखने हैं। फर्स्ट, व्हाई डिड गुप्पू फरी एंड डुप्पू वॉन्ट टू गो टू मुंबई? गुप्पू फरी एंड डुप्पू मुंबई क्यों जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे ये तीनों मुंबई? क्योंकि वे तीनों म्यूजिशियन बनना चाहते थे। तो हम वैसा ही लिखेंगे, गुप्पू डुप्पू एंड फरी वॉन्टेड टू गो टू मुंबई, ऐसे इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना। गुप्पू फरी एंड डुप्पू वॉन्टेड, इधर हम लिखेंगे वॉन्टेड टू गो टू मुंबई, फिर लिखेंगे मुंबई टू बिकम म्यूजिशियंस। क्या लिखेंगे हम? टू बिकम म्यूजिशियन। आपको ये पूरा आंसर ऐसे ही लिखना है, आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे टू बिकम म्यूजिशियंस, ठीक है? अगर आपने सिर्फ एग्जाम में इतना शॉर्ट में आंसर लिखोगे कि टू बिकम, इतना ही अगर आपने आंसर लिखा तो वो छोटा आंसर कहलाएगा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इधर क्या कहा है? वन सेंटेंस में तो आपको लिखना ही है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर लास्ट में लिखेंगे टू बिकम म्यूजिशियंस, यानी कि म्यूजिशियन बनने के लिए। सेकंड, हु पिप्ड इन थ्रू द विंडो, विंडो के जरिए कौन अंदर झांक रहा था? गुप्पू डुप्पू फरी एंड कुकू, क्या लिखेंगे हम? गुप्पू डुप्पू फरी एंड कुकू विंडो के जरिए झांक रहे थे, है ना? अगर आपको पीछे लिखना है तो हम इधर पीछे लिख सकते हैं पीप्ड इन थ्रू द विंडो, तो आप भी इधर लिख सकते हो पीप्ड इन, पूरा ये पीप्ड इन थ्रू द विंडो, ऐसा पूरा लिखोगे। अगर नहीं लिखा तो इसमें वन सेंटेंस जितना ये हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है? तो ये याद रखना है, ये लिखना है कि गुप्पू डुप्पू फरी एंड कुकू पीप्ड इन थ्रू द विंडो, इतना आप लिखोगे इधर। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।